नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु मृगेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास एपिसोड में, जो है मेष लग्न के लिए अप्रैल 2024 का राशिफल। तो दोस्तों, जिनके भी लग्न में एक नंबर लिखा हुआ है, यानी 1 का जो नंबर लिखा हुआ है, तो उनका लग्न मेष है और ये एपिसोड उन सभी लोगों के लिए है। दोस्तों, हम लग्न के आधार पर इसलिए प्रेडिक्शन करते हैं क्योंकि लग्न जो है पूरा जीवन आपका स्थिर रहता है, यानी फिक्स रहता है। चंद्रमा अन्य ग्रहों की तरह बल्कि चंद्रमा तो अन्य ग्रहों से ज़्यादा 2 या 3 दिन के अंदर जो है राशि परिवर्तन कर लेता है, तो उसके बेस पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन की जो है एक्यूरेसी थोड़ा घट जाती है। इसलिए विद्वान जो व्यक्ति हैं वो लग्न के आधार पर गोचर के फल को ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय कि चंद्र राशि के ऊपर। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। आपका लग्नेश मंगल है और मंगल जो अप्रैल मंथ में जो है 23 अप्रैल तक कुंभ राशि में गोचर करेगा और 23 अप्रैल के बाद वो जो है मीन राशि में गोचर कर जाएगा। तो ये इसका सीधा जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। 23 अप्रैल तक आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप कोई भी अगर स्पोर्ट्स के अंदर हैं तो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। जो लोग फिजिकल जो एंड्योरेंस से पैसा कमाने वाले, जैसे बाउंसर हैं, रेसलर्स हैं या रनर हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है और 23 अप्रैल तक बनी रहेगी। 23 अप्रैल के बाद जैसे ही मंगल 12वें चला जाएगा तो सेहत में नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी। लेफ्ट आईज़ में आपको समस्या आ सकती है क्योंकि मंगल आपका अष्टमेश भी है। माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है। अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर मंगल 12वें बैठा हुआ है तो माइग्रेन भी आपको हो सकता है। इस टाइम में सिर में चोट लग सकती है, आँख में चोट लग सकती है, आँख में पेन हो सकती है, तो ध्यान रखना है अपनी आँख का। अपने इसके साथ साथ आप खर्चा बहुत करेंगे, अननेसेसरी खर्चा ना करें। जिन लोगों का कोर्ट केस चला हुआ है और क्रिमिनल केस में जो इन्वॉल्व है उनको जेल भी हो सकती है। तो जब तक मंगल मीन राशि में गोचर करे, यानी 23 अप्रैल के बाद, तो तब तक आपने बचना है, हीरिंग से बचना है। डेट्स को आगे पीछे आप करा सकते हैं, इससे आप बच रहे हैं। या तो 23 तारीख से पहले पहले आपकी हीरिंग हो जाए, या 23 के बाद जब तक मंगल जो है मीन राशि में बना रहेगा तब तक आप हीरिंग की जो है डेट ना लें, उसको आप पोस्टपोन करवा दें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सेकेंड हाउस की, धन, कुटुंब और वाणी के। सेकेंड हाउस का लॉर्ड हो आपका शुक्र, और अभी शुक्र जो है आपका 31 मार्च से 25 अप्रैल तक जो है मीन राशि में बना रहेगा और 25 अप्रैल से मेष राशि में हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे शुक्र उच्च का होके बैठा है, कुछ फायदे भी रहेंगे, कुछ नुकसान भी रहेगा। आप खर्चा बहुत करेंगे तो सोच समझकर खर्चा करें, अननेसेसरी जो है खर्चा इन्वेस्टमेंट ना करें। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करके उसको पैसे ना दें, ठग लिए जाओगे। परिवार में थोड़ा सा आपके मन कम लगेगा, आपका घर में थोड़ा तनाव बना रहेगा और इस वजह से आप घर से बाहर रहना पसंद करेंगे। हाँ, एक केस में इसमें अच्छा रहेगा, यदि आप फॉरेन में एक्सपोर्ट का काम करते हैं, खास करके क्लॉथ का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, लेडीज़ आइटम्स का, फूड का बिजनेस करते हैं, तो इस समय में आपको बहुत जो है फ़ायदा होने वाला है। आपका जो है एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ फॉरेन लैंड्स में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। जो लोग फॉरेन घूमने जाना चाहते हैं अपनी वाइफ के साथ, वो जा सकते हैं, सुनहरा मौका आपके लिए बनेगा। अब बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की, यानी हाउस ऑफ होम, लैंड्स, प्लॉट्स, बिल्डिंग्स, कन्वेयंस, यानी मकान, वाहन, बंगला और गाड़ी, उसका मालिक आपका चंद्रमा होता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है 2 से 3 दिन के बीच में राशि परिवर्तन कर लेता है, तो इस केस में आपके जीवन में कोई खास स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। इस केस में प्रेडिक्शन इस हिसाब से दी जाती है कि अगर आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं, जैसे कि लग्न में हो, सेकेंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, फोर्थ में हो, 9th में, 10th में हो, 7th में हो, 11th में हो, तो आप चंद्रमा का रत्न यानी साउथ सी का पर्ल डाल सकते हैं। ठीक है, बसरे का मोती तो आजकल नहीं मिलता या बहुत महंगा होता है, पर साउथ सी का पर्ल जो है वो नेचुरली जो होता है अवेलेबल होता है और नमकीन पानी का होता है। नमकीन पानी का मोती ही असली असर देता है दोस्तों, मीठे पानी का मोती जो आजकल चाइनीज कल्चर्ड मोती आ रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध नमक से है। अगर पानी में नमक नहीं है तो मोती में वो पावर नहीं होगी कि वो आपके चंद्रमा को ठीक कर दे। तो आप साउथ सी का पर्ल डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने उसका लॉकेट डालना है, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में डालना है, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में डालना है, ये आप कुंडली का विश्लेषण करवा करके जान सकते हैं।
और अगर आपका चंद्रमा उत्तम स्थिति में नहीं है तो इन सभी मैटर्स में, यानी मकान, वाहन, बंगला और गाड़ी में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप जो है चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः इसका जप कर सकते हैं, भगवान शंकर की आप पूजा कर सकते हैं और दूध और चावल का आप दान कर सकते हैं, इससे आपको खूब लाभ होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस लव रोमांस एजुकेशन इत्यादि का, जो घर है उसका मालिक हुआ आपका सूर्य, सिंह राशि वहाँ पे आई हुई है और सूर्य देव जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 अप्रैल के बाद ये मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो 13 अप्रैल तक आपको सभी मामलों में नुकसान उठाना पड़ेगा, आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन में तनाव हो सकता है, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनका स्टडी में फोकस नहीं बनेगा। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं आईलैट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका बना हुआ है, कब तक, 13 अप्रैल तक, ठीक है। ये एक बड़ी एडवांटेज रहेगी, अगर आप फॉरेन के लिए स्टडी कर रहे हैं तो आप जाएंगे ही जाएंगे, 13 अप्रैल से पहले पहले एग्ज़ाम दे दीजिए, बहुत अधिक चांस होगा कि आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। और लव रोमांस में नाकामयाबी मिलेगी, आपके लवर से आपका झगड़ा हो सकता है, पर 13 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्य मेष राशि में गोचर करेगा तो उच्चका होकर बैठ जाएगा, तब आपको लव रोमांस में बहुत कामयाबी मिलेगी, आपका पार्टनर आपसे फिर से जो है मनमुटाव को दूर करके बहुत सारा प्रेम आपको करने लगेगा, ठीक है। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है सफलता मिलेगी, अच्छे नंबर आएंगे या कोई ना कोई स्कूल या कॉलेज में उनको अच्छी सीट मिल सकती है। जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं कंसीव, बेबी कंसीव करना चाहते हैं 13 अप्रैल के बाद, बहुत अच्छा समय उनके लिए आएगा, वो कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खासकर मेडिसिन के सेक्टर में, वुड के सेक्टर में, ठीक है, हेल्थ के सेक्टर में या कंसल्टेंसी का कोई भी सेक्टर होता है, जैसे कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, उनके शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कई गुना जो है टर्न होकर आपको मिलने वाला है, मगर 13 तारीख के बाद करना, उससे पहले करोगे तो लॉस में जाओगे। अब बात करते हैं आपके सेवंथ हाउस मैरिज पार्टनरशिप एंड बिजनेस का हाउस, उसका लॉर्ड आपका शुक्र है क्योंकि वहाँ पे तुला राशि आती है। शुक्र आपका 12वें स्थान पर जो है गोचर करेगा 31 मार्च से जो है 25 अप्रैल तक। तो पति या पत्नी से संबंध आपका जो है तनावपूर्ण बना रहेगा, आपस में मनमुटाव हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, तू मैं झगड़ा हो सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चुप रहना है, आपको पेशेंस रखनी है, बात को बढ़ाना नहीं है, आप अपनी साइड से चुप रहिए और जब मौका मिले तो अपने पति या पत्नी को प्यार से समझाने की आप कोशिश करें, हो सके तो उनको लेकर के कहीं घूमने जाएं, खास करके कोई जो जगह बहुत फूड के लिए फेमस हो या टूरिज्म के लिए फेमस हो वहाँ घूमने जाएं या फॉरेन के लिए निकल जाएं, तो आप दोनों का संबंध जो है और मधुर होगा और आप जो है समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। अब बात करते हैं अगर जो लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट ना करें, 25 अप्रैल तक समय अच्छा नहीं है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस हो सकता है, मगर फॉरेन जो एंटिटीज़ हैं, फॉरेन जो कॉरपोरेशन हैं या फॉरेन आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे जो है अगर आप टाई अप करते हैं या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की जॉब स्टेटस कैरियर का हाउस। 10th का आपका लॉर्ड शनि है और शनि देव जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, पूरा 2024 वो कुंभ राशि में रहेंगे, हर क्षेत्र में आपको सफलता देंगे। अगर आपके जन्मपत्री में शनि उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं तो जो लोग नौकरी चाह रहे हैं उनको मनपसंद नौकरी मिलने का समय बना हुआ है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी उनको भी सरकारी नौकरी मिलेगी, बशर्ते सूर्य उनका अच्छा हो, ठीक है। अगर आपकी जन्मपत्री में शनि उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं तो आप नीलम जरूर धारण करें, इस साल अगर आप नीलम धारण करते हैं तो आपको अपने कामकाज में, आपके स्टेटस में, अगर आप कोई पॉलिटिकल पद के लिए सोच रहे हैं उसको मिलने में बहुत सफलता ये देगा, ठीक है। अगर आपका जन्मपत्री में शनि उत्तम नहीं है फिर आप नीलम नहीं धारण कर सकते हैं, उस केस में कुछ और उपाय होते हैं वो विस्तार से हम आपको बताएंगे अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात करना चाहते हैं। तो अभी देखा जाए मोटा मोटा मैंने आपको जो है मेष लग्न का जो है अप्रैल मंथ का गोचर का फल मैंने आपको बता दिया। अगर आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से परेशान हैं, चाहे वो संतान बाधा है, शादी नहीं हो रही है, लव की प्रॉब्लम है, विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, विदेश में सेटलमेंट की इशू है, ठीक है, कोई हेल्थ इशू है आपको, मेंटल है चाहे फिजिकल है, ठीक है, काम काज आपका नहीं चल रहा है, आप बिजनेस प्लानिंग कराना चाहते हैं, अपने बच्चों की स्टडी की प्लानिंग करना चाहते हैं, कैरियर की प्लानिंग करना चाहते हैं, कोई भी समस्या किसी प्रकार की आप, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 100% मनी बैक गारंटी दी जाएगी, यानी अगर हम आपको कोई सोल्यूशन बताते हैं, कोई उपाय बताते हैं, अगर आप उसको करते हो या हमसे करवाते हो तो उस केस में 100% मनी बैक गारंटी आपको दी जाएगी, यानी अगर तय समय के अंदर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आपका पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है। तो इसी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर मृगेंद्र चौधरी आप सभी से इजाजत लेता हूँ, गुड लक, हैव अ नाइस टाइम।